हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। जब टू ब्लॉक्स हमारे कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, उनका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये टॉपिक आज मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो पहले हम इसका बेसिक समझा लेते हैं कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। देखो, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेते हैं M2 इसका मास है, और एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है M1, ठीक है। अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करता हूं, मान लेते हैं इसके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वन और इनके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू टू। अगर मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया तो कितने फोर्सेस अप्लाई होंगे, वो पहले मैं बेसिक आपको यहां पर समझाता हूं। देखो, अगर मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा F1। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो इस पर फोर्स लगाया मैंने इधर और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा मेरा इधर एम वन वाले। ओके, अब अगर मैं देखता हूं M2 वाले का, ठीक है, जब मैं इसको इधर मूव कराऊंगा तो M2 वाला भी इधर मूव कर सकता है, तो M2 वाले को इधर मूव कौन कराएगा। अगर मैं M2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं तो ये तो हमें पता है, देखो M2 भी इधर मूव करने की कोशिश करेगा और इनके बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा हमारे पास F2। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, F2 आ जाएगा। लेकिन इस वाले ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसी की वजह से ये ब्लॉक मेरा मूव करेगा। जब मैंने इस पर इधर फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स जिसके मोशन का अपोज कर रहा है, और इस पर मेरा यही फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ मूव करेगा जिसकी वजह से ये ब्लॉक मेरा मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर आगे की तरफ मेरा फ्रिक्शनल फोर्स F1 लगेगा, ये हमारा इसका बेसिक है जिससे हम आगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। तो दो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ये इधर मूव करेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ और वही फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे की तरफ मूव कराएगा, क्लियर। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पहला पॉइंट जब हमने ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया। अब अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो कौन सी कंडीशन होगी, वो हम और देख लेते हैं, वो हम और देख लेते हैं बच्चों। अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया यहां पर, इनके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन और इनके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू, ये ए ये बी, अगर मैंने फोर्स यहां पर अप्लाई किया है तब क्या होगा। देखो बच्चों, जब मैं फोर्स यहां पर अप्लाई करूंगा तो ये वाला ब्लॉक मेरा इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और ये वाला ब्लॉक में फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक सरफेस है और यहां पर मैंने इस ब्लॉक को रखा हुआ है, अब अगर नीचे वाले ब्लॉक को मैं इधर लेके जाता हूं, देखो इधर की तरफ स्लिप हुआ तो इधर पे तो मैंने फोर्स इधर लगाया और इस पे फोर्स ऑटोमेटिकली इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा बच्चों, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा क्योंकि ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा या इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर ऊपर वाले ब्लॉक पर और नीचे वाले ब्लॉक पर यही फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा जैसे यहां पर लगा था। तो अगर इनका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो F1 में कुछ इस टाइप से बनेगा कि F1 में फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में आएगा M1 और किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और अगर मैं M2 ब्लॉक लेता हूं तो इस पर फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, देखो यहां पर भी मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा कौन सा F2, इस पे मैंने फोर्स लगाया इधर तो ये वाला ब्लॉक इधर मूव करेगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा F2 इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो दो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे इस पर एक्ट करेंगे F1 एंड F2, और जो भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा आएगा वो हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये बात, समझ में आई। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी चीज यहां पर समझाई, इन्हीं फैक्टर्स को लेके हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा बेसिक था, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।
हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों फर्स्ट रूम है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक 20 किलोग्राम का ब्लॉक है और इसके ऊपर ये एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 हमें दे रखा है, और जो नीचे वाला सरफेस है और ये हमारे पास जो 20 किलोग्राम का ब्लॉक है इनके बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो सरफेस है वो हमारा स्मूथ सरफेस है बच्चों, ठीक है। और इस पर हमने 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, तो क्वेश्चन ये है हमारा फाइंड द फर्स्ट पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। इन ब्लॉक्स के बीच का ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस पॉइंट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा F1, तो F1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो F1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, μ1 into R, और इस वाले सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो इसके वेट के बराबर होगी 10 into G, तो क्या हो जाएगा μ1 into M1 into G, तो F1 किसके इक्वल होगा, μ1 की वैल्यू 0.5 into, ठीक है, μ1 लिखो या ऑनली μ भी लिख सकते हो क्योंकि यहां पर एक ही है हमारे पास 0.5, तो 0.5 into इसकी वैल्यू भी 10 और जी की वैल्यू भी 10, सॉल्व करो कितना होगा 5 और 5 into 10 50 न्यूटन, कितना हो जाएगा बच्चों 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया जो इस वाले ब्लॉक पर हमारा लग रहा है। तो इसका मैं फर्स्ट पॉइंट कर लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया जो फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा था। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट में ये पूछ रहा है कि हमें इसका और इसका इन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, देखो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक पे 60 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स F1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन इधर अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां है, ये ज्यादा है ये कम है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, तो निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 10 इनटू ए इज इक्वल टू इधर मूव कर रहा है तो इधर वाले फोर्स में से इधर वाला फोर्स माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 10 ए इज इक्वल टू 10, तो 10 से 10 कटेगा, ए की वैल्यू निकल कर आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मेरे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का, जिसको मैं A1 नेम दे सकता हूं, क्लियर। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक का, तो जैसा मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पर मेरा F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं 20 किलोग्राम पर F1 फोर्स इधर लग रहा है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो मूव करेगा केवल इसकी वजह से, और ये कितना बच्चों हमारा 50 न्यूटन केवल इसकी वजह से मूव करेगा, और मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन आ गया A2, ठीक है, तो 20 इंटू A2 यानी मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 50 के इक्वल, ठीक है, इधर तो फोर्स है नहीं वरना 50 माइनस वो वाला फोर्स करते, तो इससे कटेगा A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मेरे पास A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो A1 एक्सेलरेशन 10 किलोग्राम वाले का आ गया और ये एक्सेलरेशन मेरा इसका निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल कर सकते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी टाइप का, उसको भी आप पॉज करके कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, किसी टाइप का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं,
तो हमारा न्यूमेरिकल है बच्चों, ये हमारा सरफेस, ये हमें 10 किलोग्राम का ब्लॉक दे रखा है और ये उसके ऊपर एक ब्लॉक और दे रखा है, ये भी बच्चों 10 किलोग्राम का है, ठीक है। अगेन ये जो सरफेस है इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, यानी ये स्मूथ सरफेस है और यहां पर मेरा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.5 मान लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया 120 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया बच्चों 120 न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन वही है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन भी निकालना है ब्लॉक्स का, ठीक है। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, जैसा अभी हमने किया था सेम टू सेम वही प्रोसेस हमें यहां पर भी फॉलो कर देना है, ओके। तो देखो कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बाद में आंसर मैच कर लेना, देखना कहां आपने मिस्टेक की है। तो देखो इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर F1 इधर लगेगा और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे वाले पर F1 इधर लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, F1 इज इक्वल टू म्यू 1 की वैल्यू कितनी है 0.5 और 10 × 10 यानी 50 न्यूटन मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स निकल कर आ गया, ओके ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इन दोनों का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 120 न्यूटन स्पेस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और इधर हमारा जो फोर्स लग रहा है F1 वो 50 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A1 मेरे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और रूल आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 10 × A1 इज इक्वल टू इधर वाले फोर्स यानी 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70, यानी A1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बच्चों 7 m/s². सिमिलरली हम A2 भी निकाल सकते हैं, तो अगर मैं ये A2 निकालता हूं, ठीक है, ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक और इस पर इस डायरेक्शन में F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, और तो कोई फोर्स है नहीं क्योंकि सरफेस क्या स्मूथ है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारे पास इस पे नहीं है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन होगी, क्या होगा, देखो F1 फोर्स इधर तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A2, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हमारे पास 50, तो वैल्यू पुट कर दी तो A2 की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 5 m/s². ओके, तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ओके अच्छा ये तो मैंने आपको कराया कि जब हमारे पास बीच में फ्रिक्शन था ओनली, अब यहां पर भी फ्रिक्शन होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, ये अब हम कर लेते हैं, ओके क्वेश्चन थोड़ा सा ये रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर लेंगे। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है बच्चों और यहां इसके ऊपर 4 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, ओके। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहां का हमें दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.1 और यहां भी आप कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, इसको म्यू 1 मान लेते हैं, म्यू 2 0.6 हमें दे रखा है, ओके ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले ब्लॉक पर 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये ब्लॉक ए एंड ये ब्लॉक बी, इस वाले ब्लॉक पर 60 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। एक थर्ड पॉइंट मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड सरफेस। ये हमारा सरफेस और अभी स्मूथ नहीं है, ठीक है, ये हमारा सरफेस और ये स्मूथ नहीं है, तो इस सरफेस और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बी एंड सरफेस। तो देखो बच्चों कैसे निकाल सकते हो आप, ओके
ठीक है, तो देखो ये हमें पता ही है जब ये इधर मूव करेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इस वाले ब्लॉक, सॉरी यहां पर ये चीज देखो बच्चों, जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये वाला ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F1 वो इस डायरेक्शन में लगेगा। जब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर ये हमारे पास एक सरफेस है इस पर रखा हुआ है, इसको मैं इधर ले जाऊं तो इधर स्लिप होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिधर वो मूव करेगा, मूव करने की कोशिश करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहां मैंने फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में और नीचे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में और इस वाले ब्लॉक पर F2 फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो इधर ही जाएगा, फोर्स हमने इस वाले ब्लॉक पर अप्लाई किया तो F2 आ गया हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों ये अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स F1 निकालता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन A एंड B निकालता हूं F1, तो किसके पर हो जाएगा म्यू एम जी, ठीक है, म्यू वन एम वन जी लिख सकते हो, तो म्यू वन की वैल्यू कितनी है 0.14 × 10, तो 0.1 × 4 करेंगे तो 0.4 और 10 से करेंगे तो 4 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स F1 मेरे पास निकल के आ गया बच्चों 4 न्यूटन। F1 की वैल्यू निकल कर आई है कितनी, 4 न्यूटन निकल कर आई है, क्लियर बच्चों, बात समझ में यहां तक, ओके ठीक है, तो 4 न्यूटन हमारे पास ये निकल कर आया है। अच्छा F2 और निकाल लेते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स F2 में निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F2 में निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो ये दोनों ब्लॉक, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक की वजह से इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि इनके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू टू है, म्यू टू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर टू, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी बच्चों, दोनों के मास का सम, तो उसका भी मास नीचे लग रहा है, इसका मास भी नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो m1 plus m2 into g, तो यहां से अगर मैं f2 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 0.6 into m1 की वैल्यू कितनी है 4 plus 8 into 10, सॉल्व करो यहां से 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 into 12, तो 72 न्यूटन मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स निकल कर आ गया, यानी F2 की वैल्यू निकल कर आई बच्चों कितनी 72 न्यूटन, ठीक है 72 न्यूटन मेरे पास इसकी वैल्यू निकल कर आई, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ये, और यहां पर फोर्स कितना लगा रहे हैं 60 न्यूटन, इधर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है 72 न्यूटन, इधर लगा रहे हैं 60 न्यूटन, क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉक हमारा कब मूव करेगा जब 72 न्यूटन से ज्यादा हम इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर देंगे, लेकिन हमने कितना लगाया है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम फोर्स पर लगाया, तो ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कितना हो जाएगा बच्चों, मूव ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आता हूं, थर्ड पॉइंट में पूछता है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड सरफेस। अब बी और सरफेस के बीच में, ये सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, आप कहेंगे 72, नहीं बच्चों, ठीक है 72 तो मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों इस पर, और इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है अप टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मैंने यहां पर 1 न्यूटन लगाया तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, 2 लगाया तो 2 डेवलप हो जाएगा, 3 लगाया 3 डेवलप हो जाएगा, ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की कंडीशन नहीं आ जाती है, उसके बाद नहीं चलेगा, लेकिन ये देखो 60 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 72, ठीक है तो मैक्सिमम है लेकिन उससे कम ही है तो मूव नहीं करेगा, 60 इधर तो 60 इधर तभी तो मूव नहीं करेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 72 और जो इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड सरफेस वो लगेगा 60 न्यूटन, क्लियर बच्चों, अगर वो पूछता मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तब हमारे पास 72 निकल कर आ जाता है, क्लियर बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर मैं यहां पर लेता हूं, ओके तो इसको हम रब कर देते हैं,
यही क्वेश्चन है मेरे पास, यही क्वेश्चन है। केवल केवल मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं कि इसको मैंने 78 न्यूटन कर दिया बच्चों, ठीक है, इसको मैंने 78 न्यूटन कर दिया, तो अब क्या होगा? ठीक है, अब वही कंडीशन है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो वो हमने निकाल लिया, उससे ऊपर वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा रहेगा वो उतना ही रहेगा, कितना? 4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके इसके बीच में लगेगा कितना लगेगा? 4 न्यूटन लगेगा। ध्यान रखना मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या निकलवाया है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की बात की थी मैंने ए और बी के बीच की, अगर वो भी निकलेगा तो फिर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो फिर जीरो आ जाएगा, उस कंडीशन में जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल लिया, एफ1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई, एफ2 भी हम निकाल चुके हैं, एफ2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो पहले क्वेश्चन था वही है, केवल मैंने 78 किया, तो ये चेंज करने से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी नहीं, वो 72 न्यूटन ही है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मुझे यहां से फाइंड आउट करना है कि कितना एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो सेकंड पार्ट में इसका लेकर चल रहा हूं, मैं ये वाला ब्लॉक ले लेता हूं, ठीक है, ये वाला ब्लॉक मैंने लिया और इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। इस वाले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा कितना होगा बताओ बच्चों, हमें निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अब तो एक्सेलरेशन होगा क्योंकि 72 से ज्यादा हो गया है, ये 72 से ज्यादा हो गया तो होगा। ओके, अब एक कंडीशन है हमारे पास कि पहले हम एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालो, इस पर देखो 78 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ हमारा कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, F2 is equal to 72 न्यूटन, 72 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब मैं इन दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ लेकर चल रहा हूं, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ लेकर चल रहा हूं, तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने साथ साथ माना, 4 किलोग्राम ये और 8 किलोग्राम ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे किसी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए से, वो मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना बन रहा है बच्चों, 12, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। अभी समझाएंगे कि दोनों को साथ साथ हमने क्यों लिया, क्योंकि जो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस फोर्स से दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। वो क्यों मूव करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। देखो 12 इंटू ए हमने निकाला, ओके, 12 इंटू ए किसके इक्वल होगा, इधर वाले फोर्स में से इधर वाला फोर्स माइनस कर देंगे, तो 78 में से 76 अगर मैं माइनस, सॉरी 72 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 6, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6/12 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब देखो अगर मैं इस छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेता हूं 4 किलोग्राम वाले का, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, ए, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में, F1 फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और ए हमारा इस डायरेक्शन में निकल कर आया, ठीक है, ए हमारा इस डायरेक्शन में निकल कर आया, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है इसकी, 4 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है इसकी, 4 न्यूटन। और अब देखो ये इधर मूव कर रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन वाला अगर मैं फोर्स निकालता हूं जिसकी वजह से यह मूव कर रहा है एफ, तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है देखो, 0.5, यानी जिस फोर्स से आगे की तरफ जाएगा वो मेरे पास 2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, तो ये 4 न्यूटन जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है, 4 न्यूटन मेरा क्या है बच्चों, ज्यादा है इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में उससे ये क्या है बच्चों, 2 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा है इस वाले ब्लॉक पर जो लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक इसके सरफेस पे मूव नहीं कर पाएगा। अगर इस वाले फोर्स से, इस फ्रिक्शनल फोर्स से ये वाला जो फोर्स है जो ये निकाला हमने 2 न्यूटन ज्यादा हो जाता तो ये हमारे पास इधर मूव कर जाता है, इस ब्लॉक के सरफेस पर मूव करता, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो इसके साथ साथ मूव करेगा, इसलिए मैंने इसको साथ साथ कर। बच्चों एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर फाइव में दोनों ब्लॉक वही ले लेते हैं, ये 8 किलोग्राम का ब्लॉक और ये हमारे पास 4 किलोग्राम का ब्लॉक, इनके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वही 0.1 और इनके बीच का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वही 0.6। अब हमने फोर्स अप्लाई किया है अपने ऊपर वाले ब्लॉक यानी 4 किलोग्राम पर, हमने फोर्स अप्लाई किया है कितना, 60 न्यूटन। तो अब हमें ये कंडीशंस यहां से फाइंड आउट करनी है, ये कंडीशंस हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो बच्चों वही आ जाएगा, F1 = μ1 m1g, यानी 0.1 × 4 × यानी 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकलकर आ गया। फिर पूछता है हमारे पास फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना, उससे पहले मैं इसके और इसके बीच का और फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेता हूं कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इस वाले ब्लॉक का और इस वाले ब्लॉक का निकलकर आएगा, वो भी हमारे पास कौन सा ही होगा बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F2 में फाइंड आउट करता हूं इन दोनों के बीच का, तो क्या हो जाएगा, μ2 m1 + m2 × g। तो देखो μ2 की वैल्यू 0.6, m1 + m2 12 × 10 यानी 72 न्यूटन आ जाएगा। F2 की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन B एंड सरफेस, इस सरफेस के बीच में। तो अब बात आती है एक्सेलरेशन की, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट हो गया मान लेते हैं, तो सेकंड पार्ट हम यहां पर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना है मुझे इस ब्लॉक का। तो जब इस वाले पर फोर्स लगाया तो इस पर मेरा F1 इधर लगेगा और इस पर F1 इधर लगेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, 4 किलोग्राम फोर्स मेरा यहां पर लग रहा है और इस पर इस डायरेक्शन में हमने 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है और इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यानी 4 न्यूटन इधर लग रहा है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहां होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 4 × a = 60 - 4। 60 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 56 और a = हो जाएगा 56/4, 4 × 4 = 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया हमारे ऊपर वाले ब्लॉक पर। अब देखो अगर मैं सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूं, 8 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूं, तो इसमें जो मेरा F2 फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 72 न्यूटन। तो 72 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। और देखो अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो किसकी वजह से मूव करेगा, इस F1 की वजह से मूव करेगा, ठीक है। तो F1 कितना है, 4 न्यूटन और ये कितना, 72 न्यूटन। ये ब्लॉक कब मूव करेगा, जब अप्लाइड फोर्स मेरा फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। यानी पहला वाला ब्लॉक 4 m/s² से 8 किलोग्राम वाले ब्लॉक के सरफेस पर मूव कर जाएगा, 8 किलोग्राम वाले सरफेस पर मूव कर जाएगा, सेकेंड वाला ब्लॉक हमारा मूव नहीं करेगा, फर्स्ट वाला ब्लॉक सेकेंड वाले ब्लॉक के ऊपर 14 m/s² से मूव करेगा। थैंक यू सो मच।